हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया। आज आपसे मैं तुलसी के बारे में बात करूंगी, जिसको इसको कैसे लगाया जाता है, इसकी कैसे केयर करें ताकि प्लांट ख़राब ना हो। फ्रेंड्स, तुलसी का बॉटनिकल नेम ऑसिमम सैक्टम है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसे कि इंग्लिश में बेसिल भी बोला जाता है। ये जो है हिंदू संस्कृति में इसका बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। आज साइंस ने भी इसकी इम्पोर्टेंस को साबित कर दिया है। दोस्तों, ये एक झाड़ी की तरह रहता है जिसकी की लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक रहती है। इस प्लांट की आयु 2 से 3 साल की रहती है। ये है कि तब प्लांट जो है पतला हो जाता है, पत्तियां कम निकलती हैं, सूखा सा लगने लगता है। वो समय है जब हम इस पौधे की जगह नया पौधा लगा दें। पौधा लगाने के लिए हमें तुलसी के फूल देखने होंगे। ये देखिए, तुलसी के फूल हैं, ये अभी नए फूल हैं। जब कुछ दिन बाद मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर सीड फॉर्मेशन हो जाती है। ये प्लांट, ये फूल जो है कुछ दिन में सूख जाएंगे। इस तरह से हमें प्लांट लगाने के लिए इन फूलों को नोच लेना होगा। सूखे फूलों को हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही तोड़िए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबके अंदर सीड हों। हवा में भी बहुत सीड पहले से ही झड़ जाते हैं। इस सीडों को इस तरह से मसल करके, फूलों को मसल करके अंदर से सीड निकाल लीजिए। ये देखिए, छोटे छोटे अंदर आपको सीड दिख रहे हैं। अब मैं इनको फटकार करके इनके फूलों को अलग करती हूँ और ये सीड आपको दिखा रही हूँ। इसको हमने साधारण मिट्टी ली है लगाने के लिए, जिसमें बालू और थोड़ी सी गोबर खाद मिला दी है। इसमें आप पानी डाल दीजिए इस तरह से, क्योंकि इसमें पर्याप्त मॉइस्चर होगा, हमें दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और एयर होल्स भी जितने हैं वो बंद हो जाएंगे। और जो सीड्स हैं इनको इस तरह से अलग अलग डाल लीजिए। डालने के बाद इसको हम पॉलीथीन शीट से कवर करेंगे ताकि मेरा जर्मिनेशन थोड़ा जल्दी हो। और मिट्टी के ऊपर से पतली लेयर ज़रूर डालिएगा, मोटी बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि सीड बहुत छोटे हैं, दब कर जाएंगे तो जर्मिनेशन नहीं होगा। अब इस शीट से हम इसको कवर कर रहे हैं। अब हमें कुछ दिन तक पानी डालने की ऊपर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गर्माहट भी मिल रही है, मॉइस्चर बना रहेगा। 1 हफ्ते बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, थोड़े थोड़े प्लांट्स निकल आए हैं। अभी हम इनको 10-12 दिन और रखें तो ये शायद सारे जर्मिनेशन हो जाएं। बगल में एक गेंदे का लगा, उसको ध्यान मत दीजिएगा। इस तरह से तुलसी का प्लांट कहीं भी लगा रहता है तो वहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे निकल आते हैं। अगर आपको वो लेकर लगाना है तो उनको मिट्टी सहित लगाइए, और कम से कम पौधा जो है 1 से 2 इंच का हो जाए तो सबसे बढ़िया रहता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ी इसकी केयर की बात कर लेते हैं। इसको हरा भरा बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर हम 20-25 दिन में इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहें तो ये अच्छा रहेगा। तुलसी के पौधे की लाइफ जैसे भी 2-3 साल रहती है, तो हमें उससे पहले ही इसको बदल कर लगा देना पड़ेगा, नया पौधा लगा देना चाहिए। पौधा ख़राब ना हो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवर वाटरिंग हम ना करें। इसको फुल सनलाइट में रखें, और अगर गमले में लगाया है तो 4 घंटे की धूप ज़रूर लगे। हरा भरा पौधा रखने के लिए जो इसकी भूरी पत्तियां या पीली पत्तियां पड़ जाती हैं उनको ज़रूर खुटक करके निकाल लीजिए, ताकि नीचे की जो ब्रांच है वो अच्छे से ग्रो होगी, वो अपनी लेंथ पकड़ेगी पूरी। और ऊपर अगर सीड निकल आता है तो सीड को भी निकालते रहिए। सीड जो है फरवरी के बाद से अधिकतर उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसलिए उसको निकाल देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कई साल चलता है, इसलिए समय समय पर हमको गमले की मिट्टी भी बदलनी चाहिए। मिट्टी बदलने के लिए ये है कि एक तरफ से हम इसमें गड्ढा खोद करके इसकी मिट्टी निकाल करके इस जगह पर हम नई मिट्टी भर सकते हैं। कुछ महीनों बाद हम दूसरी तरफ से गड्ढा खोदेंगे इसी तरह से। बस ये ध्यान रखिएगा रूट हमारी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, वहाँ पर हम भर देंगे वहाँ पर खोल करके। इस तरह से इसकी मिट्टी जो है चेंज होती रहेगी और आपका पौधा जो है हरा भरा होता रहेगा, उसमें शाइनिंग आती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो नीचे दिए हुए लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर करके उसको लाइक करिएगा। दोस्तों के संग शेयर भी करिएगा। ये देखिए, इसमें एम्फिड्स भी अटैक करते हैं, तो उससे आप बचने के लिए इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो ठीक होगा। इसके लिए हम आगे एक बनाएंगे नीम ऑयल का भी यूज़ का। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और इस प्रकृति का ध्यान रखिए। नमस्कार।